इंडियन आइडल 13 के द ड्रीम डेब्यू के दौरान विदिप्ता चक्रवर्ती ने एक बार फिर अपनी आवाज से सभी को दीवाना बना दिया, लेकिन इस बार उन्होंने अपनी खूबसूरती से शोमैन सुभाष गई का दिल जीत लिया। सुभाष गई उनकी आवाज से इम्प्रेस होने के साथ उनकी खूबसूरती से भी इम्प्रेस हो गए और अपनी फिल्म में बतौर हीरोइन का ऑफर दे दिया। सुभाष गई ने कहा कि कई बार उनके अंदर से आवाज आती है और वह उसे करते हैं, वह गलत भी होते हैं और सही भी, लेकिन अधिकतर सही ही होते हैं। आप एक बहुत गुणी, संस्कारी, एक अच्छी लड़की हैं, तो आप में एक अपना संस्कार है और कला हमेशा संस्कारी लोगों को ही मिलती है। उन्होंने आगे कहा कि विदिप्ता चक्रवर्ती को देखकर उनके अंदर से यह आवाज आई है कि उन्हें अपनी फिल्म में हीरोइन लिया जाए। यही शायद आपके साथ हो सकता है, क्या आप हीरोइन बनना पसंद करेंगी? सुभाष गई ने पुराना किस्सा याद करते हुए कहा कि उन्होंने जैकी श्रॉफ और महिमा चौधरी को भी अपनी फिल्म ऑफर की थी, वह भी चौंक गए थे। जब भी किसी हीरो या हीरोइन से पूछा है, चाहे वो जैकी श्रॉफ थे या महिमा चौधरी थी, तो मैंने जब उनसे पूछा क्या आप हीरोइन बनना पसंद करेंगी, तो उनका जवाब ये होता, क्या ऐसा कैसे हो सकता है, और बाद में हुआ। और आज वह क्या कर रहे हैं यह सबके सामने है। क्या आप हीरोइन बनना पसंद करेंगी? कोलकाता की विदिप्ता चक्रवर्ती जितना सुरीला गाती हैं, उतनी ही ज्यादा खूबसूरत भी है। यही वजह है कि उन्हें लोग बहुत पसंद करने लगे हैं। मालूम हो कि उन्हें अभी से ही विनर के तौर पर देखा जा रहा है। ऐसी ही खबरों के लिए जनता की आवाज को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।